एक मिनट ना, थोड़े दुश्मन है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सारे लॉन्डो के लिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त की, लेकिन तुम उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं मानता हूँ तुम भी अपने स्कूल के दोस्तों को इसी के नाम से बुलाते हो। भाई मैं तो उन्हें आज भी इसी के नाम से बुलाता हूँ, लेकिन आज हम उनकी नहीं, अपने सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त जो हमारे साथ ही रहता है उसकी बात करने वाले हैं। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, मजाक बहुत हो गया, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यार मैं आज आपको बहुत ज्यादा कोई साइंस बेस्ड नॉलेज नहीं देने वाला, बट मैं आज आपका भाई बन के एक दिन ब्रो कोड वाली रॉ नॉलेज देने वाला हूँ और रॉ चीजें बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस नेचुरली। और आज मैं इस चीज को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम, उसके बाद हम बात करें लाइफस्टाइल चेंजेस की आप लोग क्या कर सकते हो, और उसके बाद फूड जो आप इंक्लूड कर सकते हो टू बूस्ट योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। सो कमिंग अप टू सिम्टम, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेशनशिप प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, एंड इट कैन बी लो ट्रस्ट लेवल, लो कम्युनिकेशन स्किल्स और लोअर लेवल ऑफ इंटीमेसी बिटवीन ईच अदर। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इवेंचुअली लो सेक्सुअल परफॉर्मेंस का। और चलो मैं मानता हूँ यार सब लोगों के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद आता है अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग। भाई क्यों फूकते हो इतना, क्यों पी रहे हो इतनी, भाई मत करो पार्टी, कोई फायदा नहीं है। थर्ड, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है दिन में, इवेंचुअली आप बहुत obese हो रही हो, वेट गेन कर लिया, रैपिड वेट गेन हो गया। फोर्थ एंड वन ऑफ द मेन सिम्टम आपके लो सेक्सुअल परफॉर्मेंस का इवेंचुअली स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस आपको किसी भी चीज का हो सकता है, आज का स्ट्रेस, कल का स्ट्रेस, कल क्या होने वाला है उसका स्ट्रेस, लाइफ का स्ट्रेस, काम से रिलेटेड स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, भाई रिलेशनशिप का स्ट्रेस, बंदी नहीं बनी उसका स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस क्या लेना है भाई, एक ही जिंदगी है, थोड़ा खुल के जीनी है। एंड फिफ्थ, भाई ये सबसे बड़ा सिम्टम है तुम्हारी लो सेक्सुअल परफॉर्मेंस का। भाईचारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ब्रो कोड है इससे थोड़ा धीरे आगे आगे बता रहा हूँ। भाई वही चीज जो तुम रात में सोने से पहले करते हो और तुम्हें आदत लग गई है भाई करने की, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। And now coming to second point, what are the lifestyle changes जो आप लोग कर सकते हो अपनी लाइफ में to increase और boost your sexual performance? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो रिलेशनशिप में है, जिनके पास अपने पार्टनर है, उनकी लाइफ सेट हो गई है। उसके बाद हम बात करें जो सिंगल है मेरी तरह, अभी तक उनको मिला नहीं है कोई। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, जिनके पास अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ है। चलो पहला पॉइंट, आप इसमें क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर। आप अपने पार्टनर के बारे में जानो, उनको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है वो आप उन्हें बताओ, इवेंचुअली जिससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़े आप लोगों के बीच में। मेंटेन फिजिकल अफेक्शन बिटवीन ईच अदर, शेड्यूल योर टाइम टू गेट इंटीमेट विद योर पार्टनर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट डाउन योर फैंटेसीज और थॉट्स अबाउट इट टू योर पार्टनर। अपने पार्टनर से आप जितना ज्यादा बात करोगे आपको क्या पसंद है, आपकी फैंटेसीज क्या है, इवेंचुअली आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने। तो भाई अब बात करते हैं सिंगल के बारे में, मतलब जो मेरे जैसे सिंगल रह गए हैं लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये पीना और फूकना बंद करो, क्विट स्मोकिंग और अल्कोहल, कोई फायदा नहीं होता इससे। उसके बाद भाई थोड़ा अपना बैलेंस डाइट खाओ, बाहर खेलने कूदने जाओ, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ, स्विमिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, भागना दौड़ना ये सब शुरू करो, जिम विम जाओ भाई, एक्सरसाइज करो, थोड़ा बढ़िया बातचीत आएगी, थोड़ा ऐसे मेरे जैसे ऐप बनाओ, ठीक है तभी तो बातचीत आएगी भाई, मेहनत करो, इवेंचुअली अपनी स्लीप की क्वालिटी और टाइम बढ़ाओ। भाई 6 से 8 घंटे बोला जाता है, बट मिनिमम मेरे को पता स्कूल के लोग नहीं करवाते, स्कूल जाने वाले बच्चे भाई दिक्कत हो जाती, कॉलेज में बहुत काम है, 5 से 6 घंटे की स्लीप तो लो ही लो। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो स्लीप से पहले तुम लोग कर रहे थे सिम्टम में, छोड़ दो भाई छोड़ दो। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हैव अ बैलेंस डाइट। भाई बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, एंड इसमें हम बात करते हैं क्या फूड एक्सक्लूड कर रहे हैं और क्या इंक्लूड कर रहे हैं। पहले बता देता हूँ एक्सक्लूड क्या करना है। भाई ये जो सबसे बड़े दुश्मन है आपकी जिंदगी में, बर्गर, फ्राइज, पास्ता, भाई मोमोस, ये डोलमा आंटी के जिसने मोमोस खा लिए ना, मतलब छोड़ दो भाई ये सब। और भाई ये तुम जो चिन्नी ठान ला रहे हो ना भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वाल स्वीट पे जा रहे हो तुम, ये रसगुल्ले, मोतीचूर के लड्डू और सर्दियों में बेसन के लड्डू पहन रहे हो ना भाई, चीनी छोड़ दो भाई, शुगर सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारी लाइफ का। एंड गाइस चलो बात करने वाले फूड जो आपको इंक्लूड करने हैं अपनी लाइफ में। एंड गाइस ये फूड जिनके बारे में आप
आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एनहांस करने में या बूस्ट करने में हेल्प नहीं आने वाले भाई। इवेंचुअली तुम्हारे लाइफ स्टाइल को ही पूरी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी हेल्प करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग्स, सैल्मन और पोर्क, बट चलो अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके बारे में बात करते हैं। स्पिनच, अगर तुम 90s के किड हो तो भाई तुमने कैसे भाई पालक खा के चल रहे ज्यादा डोला बना के। उसके बाद बात करते हैं इवेंचुअली स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, पम्पकिन सीड, एवोकाडो एंड भाई यार रात की बात होता तो तुम चॉकलेट भी इंक्लूड कर सकते हो भाई। नॉर्मल कैडबरी डेयरी मिल्क नहीं, डार्क चॉकलेट के बारे में बात करते हैं। तो एंड करने से पहले एक पर्सनल टिप या मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे अपना शेयर करना चाहूंगा जो मेरा इवेंचुअली मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मेरे लिए क्या काम करा। भाई जैसे मैंने अपना पैशन ढूंढा, मैंने अपने लिए एक खुशी ढूंढी, वो है जिम। एक्सरसाइज करना हर रोज, जिम जाना, वो मेरे लिए काफी खुशी की चीज थी सिर्फ बॉडी बनाने से अलग। इवेंचुअली उससे मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए कि हर रोज मैं जिम जाने लगा, हर रोज मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा बढ़ने लगा, मेरे को भूख ज्यादा लगती थी, मैं अच्छा खाना खाता था, अच्छी बॉडी बनानी थी, क्लीन ईटिंग, एक बैलेंस डाइट शुरू होगी, जिम जाता हूँ खुशी मिलती है, स्ट्रेस लेवल कम हो गए। इवेंचुअली ये सब चीजों से लोअर कोलेस्ट्रॉल रहने लगा एंड अच्छा जा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा सो रहे हो, नींद अच्छी आ रही है, खुशी हो, खुशी नाम की लड़की ना हो, अच्छा लाइफ में खुश हो तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस तो भाई बढ़ेगी ना। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई और भाईचारे वाला टॉपिक आपको मेरे से डिस्कस करना या आप चाहते हो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वाली वीडियो कैसी लगी मेरे को ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।